नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ताज टेक्निकल में। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप किसी का भी वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो मेरे पास कोई भी सेव नेटवर्क नहीं है, और अगर मैं अपने वाईफाई में जाता हूं तो यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी वाईफाई से अभी मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। आप एडवांस्ड ऑप्शन में अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा WPS पुश बटन का, इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना जो मॉडेम है, राउटर है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसमें यहाँ पे एक WPS बटन होता है, इसको प्रेस कर दीजिए आप 5 सेकेंड्स के लिए, तो आपका जो WPS है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी आपके जो DSL राउटर है उस पर। उसके बाद आपको अपने वाईफाई में जाना है, फिर ये मेन्यू ऑप्शंस में जाके एडवांस पर क्लिक करना है। यहाँ पर WPS पुश बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 5 to 10 seconds। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड टू द वाईफाई नेटवर्क हम कनेक्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी पोर्टेबल हॉटस्पॉट, वाईफाई हॉटस्पॉट है, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है जो आपको हॉटस्पॉट डिवाइस है इसमें WPS का ऑप्शन हो। जैसे कि ये देख सकते हैं बटन है इसमें, इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो इसमें भी आपका WPS एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि WPS एक्टिव लिख कर आ गया है। उसके बाद वही आपको मेन्यू ऑप्शन में जाके एडवांस पर क्लिक के WPS पुश बटन पर क्लिक करना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब जो है हमारा कनेक्टेड टू वाईफाई नेटवर्क आ रहा है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।